ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कल्याण के पैतृक पुल पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने MSRDC के खिलाफ मुंडन आंदोलन कर विरोध किया है। आपको बता दें कि पैतृक पुल पर ट्रक ने दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और एक घायल हो गया था। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे और पैतृक पुल बंद होने की वजह से यातायात में काफ़ी तकलीफें हो रही हैं। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, जिसके खिलाफ मनसे कार्यकर्ताओं ने सिर मुड़वाकर विरोध किया है। मनसे महिला शीतल विखलकर, योगेश धावने, महेंद्र कुंदे, तमाम ऐसे मनसे के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मुंडन कर विरोध जताया है। आपको बता दें कि पैतृक पुल को लेकर मनसे कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पैतृक पुल के रास्ते से बड़ी गाड़ियों के आवागमन पर रोक है, मगर कुछ ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों की लापरवाही से इस रोड से बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं और ऐसे हादसे होते हैं। बट आम्ही आंदोलन वगैरह का करणार नाही। सर्व जी गाडी वाल्याची गाडी दिसली सर्व ती फोडू, त्या केसेस हो की काय हो त्याला पूर्णपणे प्रशासन जबाबदार असेल, वाहतूक डिपार्टमेंट जबाबदार असेल आणि JCB साहेबांचे जबाबदार असतील। आणि आयुक्तांनी लवकरात लवकर MSRDC केलं की तर आहे केलं नाही, आता एक बळी गेला दुसऱ्यांदा फक्त आम्ही त्या अधिकाऱ्यांना मारून दिलं तर बाकी त्यांनी त्यांचं बघाव काय करायचं काय। मनसे कार्यकर्ताओं ने मुंडन होकर MSRDC विभाग के खिलाफ आंदोलन किया। अगर आने वाले समय में MSRDC विभाग ने पैतृक पुल की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया और बड़ी वाहनों को नहीं रोका गया तो मनसे अपने स्टाइल में आंदोलन करेगी, ऐसा चेतावनी मनसे के कार्यकर्ताओं ने दी है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।